मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने दिल्ली में केंद्रीय कृषि मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर से मुलाकात की है। इस दौरान उन्होंने केंद्रीय कृषि मंत्री से खाद की उपलब्धता के साथ ही नरवाई और गेहूं के साथ चने के उपार्जन को लेकर चर्चा की है। कृषि मंत्री से मुलाकात के बाद सीएम शिवराज सिंह चौहान ने बताया कि भारत सरकार और कृषि मंत्रालय ने हमें पर्याप्त मात्रा में खाद हमेशा उपलब्ध करवाया है और उसी का परिणाम है कि मध्य प्रदेश में बम्पर उत्पादन हो रहा है। खरीफ 2021 की फसल के लिए भारत सरकार ने 12.5 लाख मीट्रिक टन यूरिया हमें आवंटित किया है। आवश्यकता को देखते हुए मैंने अनुरोध किया है कि 12.5 लाख मीट्रिक टन की बजाय हमें 15 लाख मीट्रिक टन यूरिया मध्य प्रदेश को प्रदान किया जाए ताकि खरीफ की फसल में यूरिया की कमी ना हो। कृषि मंत्री आदरणीय तोमर जी से मध्य प्रदेश के मुद्दों पर चर्चा करने आया था। मैंने उनसे आग्रह किया कि भारत सरकार ने कृपा पूर्वक कृषि मंत्रालय ने हमको पर्याप्त मात्रा में खाद हमेशा उपलब्ध करवाया है और उसी का परिणाम है कि बम्पर उत्पादन मध्य प्रदेश में हो रहा है। खरीफ 2021 की फसल के लिए अभी भारत सरकार ने 12.5 लाख मीट्रिक टन यूरिया हमें आवंटित किया है, लेकिन आवश्यकता को देखते हुए मैंने अनुरोध किया है कि 12.5 लाख मीट्रिक टन के बजाय 15 लाख मीट्रिक टन यूरिया मध्य प्रदेश को प्रदान किया जाए ताकि खरीफ की फसल में बोनी के समय यूरिया की कमी ना हो। उन्होंने कृपापूर्वक निर्देश दिया है कि मध्य प्रदेश को जितनी आवश्यकता है उतना यूरिया उपलब्ध करवाया जाएगा।